नमस्कार, आज मुझे पूरी प्रसिद्ध एवं बड़देवल राजभोग लगू पापुड़ी सरपापुड़ी तैयारी करके देखी। बड़देवल विभिन्न प्रकार क्षीरजात द्रव्य सब लगी जमीती क्षीर सर पापुड़ी छेना राबिड़ी एम अनेक कि से सरपापुड़ी गोटे जीतु अल्प परिमाण लगी जाए। बड़देवल न पाइले देवल बाहर दुकान मानक आपर नहले अति सहजरे घरे तैयारी करी मध्य खाई परिबे। पापुड़ी बा सरपापुड़ी करिया पे देखंतु मु एठे पाखापाखी 2 लीटर हबो खीर को गोटे बड़ जगार गरम करने को बसे दौची। चूलीर आंच को अधिक रखिकी 10-15 मिनिट पई एको फुटे देला परे इतिरे गोटे पतला सर पड़ जिवो। तापर मु आपको एइभळी भाबरे आउटी दउ एमिति न करी मध्य पतला सर पड़गला चूलीर आंच को पूरा अल्प रखिकी किसी समय पर बसईदे जमीक सर पूरा भल भाव पड़ जाखु कि समय बसला भाव में सर पड़ जाए समय परमी अल्प आँचे बसईदे यही भाव में सर पूरा पड़गले आम चूली को बंद करदे कि समय थंडा हाक रखिद। तापर सर पापुड़ी करने देखूँ मुझे गोटे पत्र खली और बाउंश पातिया को नहींच्छी। बर्तमान ये बाउंश पातिया साहाज्यरे जो सर पड़ा बहुत सावधानतार सहित क्षीर रु अलग कर काढ़ी नवा एवं खली उपर भल भाव मेलेद। बर्तमान ये सर उपर अल्प परिमाण चीनी को चारिड़े देद बेसी चीनी व्यवहार करे यहाँ हाल्का मीठा रही ही भल लगे। तापर ये पापुड़ को आम गोड़े नवा प्रथम खली को दुई भाग करदे जमी अधा हो परस्त दे या छोट छोट कर भाव में काटने क्षीर में पतला सर पड़गला चटु साहय आउटी नहीं थी से देखु ये सर उपर पानी फटका भाया साधारणतः सर पापुड़ी ये करा जाए किमी कले सर आम उठे सुविधा हुए करी यहाँ देखु से पतला सर कर देखिए यहाँ मुठला बेलू भांगी जाता तथापि आपण मैं करके देखे। साधारणतः सर पापुड़ी मैंने घरे जो सर पक ठीक से उषुम उषुम थाए बाहर क्रिस्पी थाए भरटा पूरा नरम जमीक पटी देने यहाँ मिले जाए नीतिदिनिया घरे जो क्षीर को फुटे सर बाहर कराए से अल्प चीनी गोड़ेदे से ही सर पापुड़ी किंतु हाँ आज्ञा ये सर पापुड़ी को उठेबा एत सहज कथा नुह जोटा कि मो द्वारा हलानी देवल जदि पाँच तेल यहाँ बहुत भल कथा ना देवल बाहर किंवा घरे या निश्चित भाव थरे देखता।